अक्सर ही पंजाब पुलिस किसी न किसी विवादों विच घिरी रहिंदी है अते कई बार तो अजिहे मामले सामने आउंदे ने जिस नाल खाकी शर्मसार हो जाती है। इसे तरह का एक मामला जिला श्री मुक्तसर साहब के हलका मलोट तो सामने आया जिथे कथित तौर पर शराब के नशे विच धुत पंजाब पुलिस के एक कर्मचारी ते राष्ट्रीय सिख संगत के जिला प्रधान जसपिंदर सिंह मिंटू की दाढ़ी नू नोच के गाली गलोच करके केसा की बेअदबी के दोष लगे ने। पुलिस मुलाजम की इस शर्मनाक करतूत की वीडियो सोशल मीडिया से खूब वायरल हो रही है जिस तो बाद राष्ट्रीय सिख संगत के आगुआ के दखल तो बाद पुलिस हरकत में आई है। मिली जानकारी अनुसार राष्ट्रीय सिख संगत के प्रधान एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के मालिक जसविंदर सिंह मिंटू ने दसिया कि वह अपनी पत्नी के नाल गुरद्वारा साहब जा रहे सन। रास्ते में एक पुलिस कर्मचारी जो कि नशे की हालत में सी उसने रास्ते में खड़े वहीकल नाल टक्कर मार दी और सड़क दे विचकार कार खड़ी करके गाली गलोच कर रहा सी। उन्होंने उसनू गड्डी पासे करन लई आख्या तां पुलिस कर्मचारी ने उसके खिलाफ भद्दी शब्दावली की वरतों करद्या उसकी दाढ़ी नू हथ पा लिया ते खिचा तुही करद्या केसां दी बेअदबी भी कीती। इस दौरान कुछ लोगों ने उसनू छुड़वाया ते उसकी दाढ़ी दे वाल उस पुलिस कर्मचारी के हथ विच आ गए। जसपिंदर सिंह ने दसिया कि दोषी पुलिस कर्मचारी थाना सिटी विखे तैनात है अते इसकी ये हरकत समय कुछ औरतां पुलिस कर्मचारी दे नाल सन जिन्हां ने उल्टा पुलिस कर्मचारी दा पक्ष लिया ते पुलिस कर्मचारी नू नाल लैके उत्थों चलियां गईयां। भाई जी मैं ते मेरी वाइफ घरों गुरद्वारा साहब निकले आए सी। गुरद्वारा साहब साडी चाढ़ना सी, मैं बीमार सी पिछले कुछ दिनों तो ठीक होया। मैं महाराज का शुकराना करन वास्ते घरों जा रहा सी, जाप करदा होया अगों पुलिस मुलाजम आया एक मोटरसाइकिल दे विच मार के एक बाइक दे विच मार के आपकी कार नू कार लिया के फुलिशली ड्रंक ड्राइव सी जिहनूं आपां कह दिंदे आ ते इहने विचारे कार बंद कर ली। गड्डी ना अगे हो रही सी ना पिछे हो रही सी इहदे तों। मैं जाप कर रहा सी, मैं उत्थे अप्रोक्सीमेट ढाई तो तीन मिनट उहदी वेट कीती आ। वेट करन दे जस्ट आफ्टर मैं उतर के इहनूं रिक्वेस्ट करन वास्ते गया कि मतलब तुसी बाई जी गड्डी पासे कर लो। जो मैं देखिया मैनू आभास तो पहला हो गया सी भी ये फुलिशली ड्रंक ड्राइव हैगा लग रहा है तो, पर लेकिन फिर भी चलो कहना तो बनते हैं जो विचारे गड्डी रोक के बैठा। अच्छा उतो गड्डी पिछे भी नहीं हो सकती सी। आफ्टर दैट जी चलो तुसी जिदा वीडियो दे विच हैगा देखिया वो ये बंदा बाहर निकलिया, निकल के इन्हें मेरी दाढ़ी फड़ ली है। दाढ़ी फड़ के मैं आपके बचा दे विच इहनू थले भी सिटिया ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਪਕੜ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਭਿੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਕਦੇ ਵੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖਦਰਸ਼ੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਛੜਾਇਆ। ਮੇਰੇ ਲਗਭਗ ਆਹ ਕੇਸ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੇ ਦਾੜ੍ਹੀ ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਗੱਲ ਲਿਆਂਦੀ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੋਅਰ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ PCR ਆਈ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡ ਆਏ ਆ, ਬੜਾ ਪੋਲਾਈਟਲੀ ਓਨਰੇਬਲੀ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਐਕਿਊਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਬਿਹੇਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ ਵੀ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਮਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਕਰੇ। ਤੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਗੱਲ ਲਿਆਂਦੀ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਲਿਆਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋਇਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਗੱਲ ਲਿਆਂਦੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਗੱਲ ਲਿਆਂਦੀ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੋ ਯੋਗ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਉਲਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਪਾ ਤਾ ਇੱਥੇ ਹੋਸਪਿਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਸਪਿਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਵਨ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੋਸਪਿਟਲ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੋਸਪਿਟਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਿਆ ਬਜਾਏ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲੜਨ ਦੇ ਕਰਨ ਦੇ। ਤੋ ਚਲੋ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾਲ ਸ਼ੁਭਚਿੰਤਕ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਇਲੀਗਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਫਾਲਸਲੀ ਨੋਟ ਸੋਰੀ ਇਲੀਗਲੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਫਾਲਸਲੀ ਕਹੂੰਗਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ, ਇਲੀਗਲੀ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪ੍ਰੂਵ ਹੁੰਦਾ।
फालसली लिया के इतने उन्होंने एडमिटाइज एडमिट करवाया जी। हॉस्पिटल प्रशासन ने भी साड़ी हजे तक कोई गल नहीं सुनी, ईवन पुलिस जरूर साड़ी गल सुन गई है, हॉस्पिटल प्रशासन ने साड़ी कोई हजे तक गल नहीं सुनी, बहुत ज़्यादा ढिली कारगुजारी है। मैं आफ्टर दैट जी गल हैगी है जी, असी तो इंसाफ की मांग ही करते हैं भी सानू इंसाफ दवाया जाए। जिस तो बाद सिविल हस्पताल पुजे, दूजे पासे जद हस्पताल दे विच मौजूद पुलिस कर्मचारी दा रवैया पुलिस कर्मचारियों की मौजूदगी विच भी माड़ा सी। पत्रकारां द्वारा वार वार सवाल पूछे जाने भी उसके परिवारक मैंबरों वालों उन्होंने कोई जवाब नहीं दिता गया। जब इस मामले बारे सिटी थाना इंस्पैक्टर संजीव कुमार नाल गलबात की गई तो उन्होंने दसिया कि पुलिस कर्मचारी का मैडिकल करवाया जा रहा है तो इस मामले की पूरी जाँच पड़ताल करके बनती कार्रवाई की जाएगी। ये जी जे किसी भी तरह का जे अनडिसपलिन हों महकमे वालों पुलिस मुलाजम वालों या पुलिस किसी अफसर वालों तो वो खिलाफ़ जो भी बनती महकमाना कार्रवाई भी की जाती है, जे जो बाकी कानून मुताबक वो भी कार्रवाई की जाती है जी। इस तरह की कंप्लेंट पहला भी इस मुलाजमान कोई इस तरह दरकत है जो अभी जी ये दौरान जे इनकुआरी के पता करते हैं जी भी की कुछ होंगे जी। तो मैं इतने ज्वाइन किया हजे जो एक मुलाजम ठीक है मैनू जो असी सुबह डेली ब्रीफिंग होंगी जी साड़ी जी उस ठीक है जो हिदायत अच्छे ब्रीफ करते हैं जी, पर अज तक हूँ तक जिन्हें दिन मैनू हुए है वो हूँ तक तो कोई पाँच चार दिनों के जी किसी भी मेरे मुलाजम की कोई कंप्लेंट है जी नहीं आई जी। बाकी जो जो पिछला रिकॉर्ड जो है जी वो भी सारा वेरीफाई किया जाऊगा जी। की कार्रवाई बनती है जी ये खिलाफ वीडियो वायरल हो गई जी, ये काफ़ी सोशल मीडिया से भी एक सिख व्यक्ति की दाढ़ी पुट रहा नहीं जी, वो भी जो भी मैं थोड़ा कहा जी जो डॉक्टरी रिकॉर्ड है जो उन्होंने स्टेटमेंट है जो एविडेंस है वो मुताबिक जो भी कानून होगा जी कानून मुताबिक कार्रवाई की जाऊगी जी। श्री मुक्तसर साहब तो PBC न्यूज़ ले गुरप्रीत संधू की रिपोर्ट।